गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 10 H2 ओनर्स के बारे में। आप सभी को पता होगा निंजा H2 आज कई मोटो व्लॉगर और राइडर की ड्रीम बाइक है। आज हम देखेंगे कि किस किस के पास निंजा H2 है। तो बिना समय गवाते हुए आइए वीडियो को करते हैं शुरू। नंबर 10 पर आते हैं आयुष वर्मा। गाइज अगर आप मोटो व्लॉगिंग वीडियोस देखते हैं तो आप आयुष वर्मा को जानते ही होंगे। ये एक मोटो व्लॉगर है। इनके चैनल पर आज 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इनके बाइक कलेक्शन में कई सुपर एंड एक्सपेंसिव बाइक कलेक्शन है। उन्हीं में से एक ये निंजा H2 भी ओन करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस अप्रोक्स 40 लाख रुपीस है, यानी कि 40 लाख रुपए। नंबर 9 पर आते हैं फराज खान। फराज खान कोई सेलिब्रिटी या यूट्यूबर नहीं है, ये एक बिजनेसमैन है। फराज खान ने 1 ईयर पहले एक निंजा H2 परचेस की थी, जो कि निंजा H2 कार्बन है, और ये उस ईयर की सबसे पहली बाइक थी इंडिया में। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 47 लाख रुपीज है, यानी कि 47 लाख रुपए। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 8 पर आते हैं लकी बांगा। लकी बांगा एक यूट्यूबर है जो बाइक रिलेटेड अपने चैनल पर वीडियोस बनाते हैं। लकी बांगा के पास कई बाइक कलेक्शन है, लेकिन इन्होंने भी 2020 में एक निंजा H2 परचेस की थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लकी बांगा की अगर हम इस निंजा H2 के प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस करीब 42 लाख रुपीज है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। नंबर 7 पर आते हैं YPM व्लॉग्स। YPM व्लॉग्स को आप सब जानते ही होंगे, या फिर आपने कहीं ना कहीं इनकी रोस्ट वीडियोस तो जरूर देखी होगी। इनके चैनल पर आज 1.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। ये इतना शो ऑफ करते हैं, उससे ज्यादा ये रोस्ट हो चुके हैं। इनके पास भी 2 से 3 बाइक्स है, उसी में से एक इनके पास निंजा H2 भी है, जो कि करीब इन्होंने 1 ईयर से 2 ईयर पहले इसे परचेस किया था। अगर इसके प्राइस की हम बात करें तो इसका प्राइस करीब 45 लाख रुपीस बताया जा रहा है, यानी कि 45 लाख रुपए। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 6 पर आती है रोशनी मिसबा। रोशनी मिसबा इंडिया की पहली लेडी है जिसने मोटो व्लॉगिंग में अपना करियर बनाया है। रोशनी मिसबा एक मोटो व्लॉगर है। इनके चैनल पर आज 60K+ सब्सक्राइबर है, लेकिन वो यहाँ रेगुलर वीडियोस नहीं डालती है। रोशनी मिसबा के पास भी कई एक्सपेंसिव और सुपर बाइक का कलेक्शन है। उन्हीं में से एक इनके पास निंजा H2 भी है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस करीब 40 लाख रुपीज है, यानी कि 40 लाख रुपए। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं टर्बो एक्सट्रीम, जिसे आप टर्बो एक्सट्रीम के नाम से जानते हैं। असल में उनका रियल नेम अर्नी है। ये भी एक मोटो व्लॉगर है। इनके चैनल पर आज 1.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। टर्बो एक्सट्रीम के पास भी कई सुपर और एक्सपेंसिव बाइक कलेक्शन है। अर्नी भाई का एक गैराज भी है, जहाँ पर ये बाइक और कार्स की मॉडिफिकेशन करते हैं, जहाँ से अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। तो आइए देखते हैं इनकी निंजा H2 के बारे में। अर्नी भाई ने अभी हाल ही में कुछ मंथों पहले एक निंजा H2 परचेस की है, लेकिन ये खुद उन्होंने बताया है कि ये बाइक सेकंड हैंड है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं जत परबजोत। जत परबजोत को तो आप सब जरूर जानते ही होंगे। ये भी एक मोटो व्लॉगर है, आज इंडिया के टॉप 5 मोटो व्लॉगर की लिस्ट में नंबर 3 पर आते हैं। इनके चैनल पर आज 3.3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जत परबजोत का कुछ मंथ पहले एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब वो धीरे धीरे रिकवर भी हो रहे हैं। जत परबजोत के पास BMW S1000 और BMW 1250 GS होने के साथ साथ वो एक निंजा H2 भी ओन करते हैं। अभी 1 मंथ पहले ही जत परबजोत ने निंजा H2 परचेस की थी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इनका नेपाल में एक्सीडेंट हो गया था। अगर इनके निंजा H2 के प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस अप्रोक्स 50 लाख रुपीस बताया जा रहा है, यानी कि 50 लाख रुपए। और अब आप इनकी एक्सीडेंट होने के बाद की बाइक की कंडीशन देख सकते हैं, लेकिन इस बाइक का इंश्योरेंस होने की वजह से ये बाइक पूरी क्लियर हो जाएंगी, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा। नंबर 3 पर आते हैं UK07 राइडर। UK07 राइडर को आज किसी भी तरह के कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बाबू भैया की फैन फॉलोइंग का अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। UK07 राइडर ने जहां जहां मीटअप किया है वहां वहां हजारों की पब्लिक जमा हो जाती है। UK07 राइडर के चैनल पर आज 4.3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और जब तक कि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे ये सब्सक्राइबर का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ चुका होगा। बाबू भैया के पास भी कई एक्सपेंसिव और
पर बाइक्स है जैसे हायाबुसा, BMW 1250 GS, निंजा, ZX TNR और इनका कार कलेक्शन भी काफी तगड़ा है। तो आइए अब नजर डालते हैं इनकी निंजा H2 पर। तो मैं आपको बता दूं बहुत ही जल्दी आप लोगों को इनके व्लॉग्स में निंजा H2 देखने को मिलेंगी जो कि शायद वो जनवरी तक के ले लेंगे। नंबर सेकंड पर आते हैं JS फिल्म एक मोटो व्लॉगर है। इनके चैनल पर आज 3.2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। JS फिल्म के बाइक कलेक्शन में 11 से भी ज्यादा बाइक्स है जिसमें कई सुपर और एक्सपेंसिव बाइक कलेक्शन है। अगर हम इनके H2 की बात करें तो JS पाजी ने इसे सेकंड हैंड परचेस किया था जो कि करीब इन्होंने 2 ईयर पहले इस बाइक को परचेस किया था। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस अप्रोक्स 38 लाख रुपीज है यानी के 38 लाख रुपए। इसके अलावा इनके पास एक डुकाटी पनीगले V4, हायाबुसा, BMW 1250 GS, BMW S1000 RR जैसी कई सुपर और एक्सपेंसिव बाइक शामिल है। उसके बाद हमारी लिस्ट में नंबर फर्स्ट पर आते हैं MS धोनी। महेंद्र सिंह धोनी को आज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जाना जाता है। MS धोनी आज इंडिया के टॉप क्रिकेटर में से एक है। माही ने अब तक के ऐसे ऐसे मैचेस खेले हैं जिसे आज भी कोई भुला नहीं सकता है। महेंद्र सिंह धोनी ने कई वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुके हैं। अगर हम इनके बाइक कलेक्शन की बात करें तो इनके बाइक कलेक्शन में बहुत सारी रेयर एंड एक्सपेंसिव बाइक का कलेक्शन है और इनके पास कई कार कलेक्शन भी है, लेकिन उन्हीं में से एक इनके पास निंजा H2 भी है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 35 लाख रुपीस बताया जा रहा है। गाइस आपको सिर्फ वो टॉप 10 फेमस H2 ओनर्स के बारे में बताया हूँ। ऐसा देखा जाए तो इंडिया में कई लोगों के पास निंजा H2 है। आप नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना इन टॉप 10 के अलावा और कौन निंजा H2 ओन करता है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। और गाइस ये भी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना आप लोगों की फेवरेट या ड्रीम बाइक कौन सी है, वो भी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। जब तक के दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।